सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जॉब तो वो तब करेंगे जब उनमें वो क्वालिटी होगी एजुकेशन की, हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको रिजर्वेशन देना है, हम अगर पहली बात तो ट्रांसजेंडर्स उतने क्वालिफाइड नहीं होते जितने हम होते हैं, अगर उनके जो स्कूल्स होते हैं वो कम्युनिटी से बाहर होते हैं, वो हमारे साथ हमारे कॉलेजेस में हमारे स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर अगर रिजर्वेशन देना है वाकई में तो आप वहां पर दीजिए हर प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं पर, ताकि वो हमारे साथ पढ़े, उन्हें भी वो क्वालिटी मिले एजुकेशन की, तब तो वो जाकर जॉब करेंगे। वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मुद्दा स्टार्टिंग तो तभी होगी ना जब वो एजुकेटेड होंगे। अगर उन्हें वो एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो उन्हें आप कितना भी रिजर्वेशन दे दो, गवर्नमेंट जॉब में दे दो, प्राइवेट जॉब में दे दो, वो उतने कैपेबल ही नहीं होंगे। सो ये मेरा क्वेश्चन है, थैंक यू। ये जो आपने पॉइंट रखा अच्छा पॉइंट है, लेकिन बिल जब डिस्कस हो रहा था उसमें एक क्लॉज था जिसमें जब राइट टू इक्वालिटी की आपने शायद आर्टिकल 14 की बात की थी, उसमें ये जिक्र है कि किसी भी बेसिस, सर आप बैठ जाइए, किसी भी बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आई थिंक आपका सवाल कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही जा रहा है कि रिजर्वेशन उसमें लाए, लेकिन मैम जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें एजुकेशन का जिक्र हो गया है। हाँ, वो चीज आप थोड़ा उसको रिवाइज करके आप इनसे डिस्कस कीजिएगा। सर आपको सबको मौका मिलेगा, अभी पहले गवर्नमेंट साइड से उनके सवाल ले लेते हैं, आप सवाल नोट करते चलिए, ठीक है।